हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर नया अपडेट आया है जहाँ पर जो सहायक उर्दू अनुवादक है इसको रोका नहीं माने तो पुलिस ने भांजी लाठिया, यानी कि जो सहायक अनुवादकों को यहाँ पर जो है सहायक उर्दू अनुवादक के तौर पर यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी बिहार में, और उसके बाद यहाँ पर जो है कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है, जिस कारण इस प्रकार की जो है यहाँ पर सूचनाएं मिल रही है। और इन पर बताया जा रहा है कि आयोग पर 5 वर्षों में भी परीक्षा का रिजल्ट देने में विफल रहने का लगाया गया आरोप, यानी कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि 5 वर्षों में भी यहाँ पर परीक्षा का जो रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस पर जो है पुलिस बताया जा रहा है कि उसको रोक रही है। तो देखते हैं, आगे अपडेट दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से, यानी कि जो आपका बिहार SSC की ओर से सहायक उर्दू अनुवादक 3 काउंसलिंग के बाद भी अंतिम मेधा सूची जो है जारी नहीं की गई अभी तक, लास्ट मेरिट लिस्ट, और अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इससे नाराज सहायक उर्दू अनुवादकों ने मंगलवार को आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि बहुत टाइम से यहाँ पर इंतज़ार करते करते उनका जो एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है, जिस कारण से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। और मामला बढ़ता देख पुलिस आंदोलनकारियों को तितर बितर करने की लाठियाँ भांजी, जिसमें कई जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जख्मी भी हो गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिक्चर भी आपका दिया हुआ है किस तरह से यहाँ पर उनको रोका जा रहा है। और दिया हुआ है कि बताते हैं कि आयोग ने एक बार फिर से सहायक उर्दू अनुवादकों के 291 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन को मौका दे दिया, यानी कि जो पिछला यहाँ पर उर्दू अनुवादक का वैकेंसी था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। और यह जो SSC है इसने जो फिर से यहाँ पर उर्दू अनुवादक के लिए 291 पद पर जो है परीक्षा के लिए आवेदन का मौका दिया है। इसी के विरोध में मंगलवार को आयोग के खिलाफ सहायक अनुवादक सड़क पर उतर गए और अभ्यर्थी शेखपुरा मोड़ से आयोग कार्यालय जा रहे थे। इसी दौरान पहले से मौजूद पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। इसी दौरान अभ्यर्थी और पुलिस के बीच यहां पर नोकझोंक हुई और पुलिस ने आंदोलन अभ्यर्थियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कि बताया जा रहा कई अभ्यर्थियों को चोट भी लग गया था। और अभ्यर्थी जो है गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है 2 अगस्त को सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा के 3 वर्ष बाद अतिरिक्त परिणाम निकाला है, यानी कि बताया जा रहा है 2 अगस्त को उनका जो है उर्दू अनुवादक की जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था प्रारंभिक, इसके 3 साल बाद यहाँ पर जो रिजल्ट यहाँ निकला है। और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है, जबकि पूर्व में ही आयोग ने PT और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो जारी किया था, और 5 वर्ष के बाद भी आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया, यानी कि अभी तक जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं हुआ है, यानी कि जो है फाइनल जो आ जाता है रिजल्ट कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं किया विभाग ने। और बताते चले कि इसमें अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद 2 साल तक मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, यानी काउंसलिंग के बाद 2 साल तक यह मामला हाईकोर्ट में रहा, और नवंबर 2023 में न्यायालय द्वारा मामला खारिज करने के बाद आयोग ने दोबारा लगभग बताया जा रहा है 833+20 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग इस सूचना के साथ कराई कि उक्त रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की संख्या कुछ कम हो रही है, यानी कि फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग भी करवाई गई और आयोग ने 291 और अभ्यर्थियों को त्रुटि का हवाला देते हुए प्रारंभिक परीक्षा में 2 साल बाद पास कराकर मुख्य परीक्षा लेने की घोषणा कर दी। और इसी फैसले से अभ्यर्थियों में जो यहाँ पर आक्रोश दिखने को मिल रहा है, तो जिस कारण से यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो प्रदर्शन किया जा रहा है इनके द्वारा। तो मेरा आज का अपडेट रहा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।